8:30 बज रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले दिया बाती किया, घर समेटा और मैं तो रेडी होने लग रही थी। मैंने साड़ी साड़ी नहीं पहनी थी। विपिन आए, उन्होंने बताया कि अभी नहीं है, वो 10-11 बजे है कलश यात्रा जो जाएगी। तो देखते हैं हम वहाँ पे ब्लॉग कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। कर पाए तो आप लोगों के साथ थोड़ा बहुत शेयर करेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, पर कोशिश करेंगे। मैंने विपिन को बोला है थोड़ा सा दिखाएंगे। हमारे गांव में प्रोग्राम जो हो रहा है 3 दिन से हो रहा है लगातार, और सभी गांव वाले जो है ना इधर उधर घूम रहे हैं, तो ऐसे लग रहा है जैसे कुछ त्योहार है आज। ऐसा होता है ना जैसे कुछ हो रहा है, क्योंकि सब तैयारियों में लगे हुए हैं इधर उधर। अभी मैंने बच्चों को झंडे ले जाते हुए देखा, तो ऐसे लग रहा था जैसे कुछ हो रहा है, ऐसे बढ़िया सा, तो बड़ा अच्छा लग रहा है, खुशी का माहौल सा हो रहा है गाँव में। मैं जा नहीं पाई अब तक 2 दिन, 4-5 को, आज 6 को जाऊंगी क्योंकि कल 7 को बच्चों की छुट्टी है। आज तो शायद शाम को कीर्तन में भी जाऊंगी, बच्चों का भी जरूरी है ना। भूमि अंदर हमारी सोई भी है, ब्रेकफास्ट रेडी है, पराठे आलू बैंगन की सब्जी बनाई थी आज मैंने बच्चों के टिफिन के लिए। एक टेंशन और हो गई है, फ्रूट ब्रेक उनका कंपलसरी हो गया है, मतलब कुछ ना कुछ फ्रूट में देना है। मतलब ऐसे नहीं कि सैंडविच दे दो, जैसे पहले हम पराठे सब्जी के साथ कुछ और रख दिया करते थे, अब उनको फ्रूट ब्रेक में फ्रूट या सैलेड ही देना है। तो रोज टेंशन कि दे क्या। अब तन में ना अंगूर नहीं ले जाता, फिर उसकी वजह से बनाना मंगाया था जबकि ठंडा होता है, और गुड्डू ऑरेंज नहीं खाती, नहीं तन में ही नहीं खाता ना ऑरेंज, टिफिन में बचा के लाया था वो। इसमें साली लाइट जला दूं, नहीं लगा लाइट जला दूं, जला ले ये किताब किसी बच्चे को दे सके, किसे देती मैं? पिछली बार गुड्डू की मैडम ने मांगी थी, हमने दे दी थी ना, अब यहाँ मैं किससे पूछती फिरूं। मैंने 2-3 दिन रखी कि कोई आएगा आएगा आएगा, या किसी का फोन आएगा स्कूल से, उस दिन गए उस दिन बारिश में पूछना याद ही नहीं रहा। गुड्डू को बता देता है कोई ना कोई, हमें दे देना, इस बार बताया ही नहीं। अब ऐसे ही किसी को दे दूं, किसी का कोई और कोर्स हो, नहीं भाई तुम पकड़ो 7th की। नहीं नहीं, तो नाश्ता हमने कर लिया है, भूमि उठ जाएगी थोड़ी बहुत देर में, जब उठेगी उठा दूंगी इसे, अभी तो नहीं उठाऊंगी, अभी तो 9 भी नहीं बजे। हिल रही है, उठ रही है, सुन रही है सारी बातें हमारी, ये वैसे क्योंकि ऐसे लाइट लुइट खोल दो ना। भूमा ए भूमि जानू बच्चा छोचा, अभी उठ जाइए थोड़ी देर में इसे उठाऊंगी। विपिन ने भी कहा अभी जब लेट है तो उसको उठाई हूँ मैं 9:30-10 बजे से पहले। ये क्या है? ये टेस्ट बुक है, दुनिया भर की पेज पड़े हैं। आगे आगे तो एकदम से हड़बड़ी में मैं होने लगी हूँ तैयार। साड़ी भी पहननी थी मुझे, चूड़ियाँ पहननी थी, अपना जो हल्का से मेकअप करना है, मेकअप क्या बस मैं आज लाइनर लगा लूँगी और हल्की सी बीबी क्रीम लगा लूँगी, और बालों को मैं स्ट्रेट कर रही हूँ क्योंकि मेरे को जूड़ा जो मेरा बनता है ना वो बिल्कुल वैसे, या तो जूड़े के तरीके से हो, थोड़ा अच्छा सा लगना चाहिए, तो फिर वो तो मेरा नहीं हो पाएगा। फिर मैंने सोचा कि चलो मैं बालों को स्ट्रेट कर लेती हूँ, और ये मेरा जो स्ट्रेटनर है सच में मुझे बहुत पसंद है। इससे पहले भी मैंने एक स्ट्रेटनर यूज़ किया है, लेकिन जो ये है जो इसका काम है वो बहुत ही अच्छा है। मतलब ये लगा लो कि मैं 10 मिनट में अपने सारे बाल स्ट्रेट कर लेती हूँ, जो भी जितनी बार भी, जैसे आपने मेरे को एनिवर्सरी पर देखा था 10 मिनट में ही किए थे वो मैंने, और आज भी जो आप मेरे बाल देखोगे वो 10 मिनट में ही किए हैं। 10 मिनट में बाल तो छोड़िए, 10 मिनट में बाल और 10 मिनट में मेकअप किया है, भूमि ने इसमें मेरी हेल्प की। तो अभी हम जाएंगे मंदिर, और मंदिर में जो पूजा है वो आप लोगों को इसमें शामिल करेंगे, और आप सभी को हनुमान जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गोविंदाय नमो नमः, देवाधीनं जगत सर्वे, मंत्राधीनं च देवता ते मंत्रो।
हो चुकी है और आप सोच रहे होंगे कि व्लॉग कौन कर रहा है। नितिन है, वो मेरा देवर ही लगता है। तो उसको पता है मैं व्लॉगिंग करती हूँ। तो जैसे कई बार ऐसा हुआ है कि वो बोल देता है कि मैं कर दूँ क्या, तो आज भी उसने ऐसे ही बोला। एक बार और किया था शायद उसने ऐसे ही। तो यहाँ पर उसने आपको जो है मेरा व्लॉग भी किया और साथ में आपको इधर दिखा रहे हैं जो मंदिर में काम हुआ है। काफ़ी सारा काम हुआ है लेकिन ये बहुत अच्छा लग रहा है। वॉलपेपर, लाइटिंग, यहाँ पे जो है राम दरबार आएगा इधर की साइड पे और उन्हीं की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है आज। उन्हीं को यहाँ पे स्थापित किया जाएगा मंदिर में। ये जगह उन्हीं के लिए बनी थी जो दिखाई थी। अभी मैं तो जा रही हूँ घर क्योंकि भूमि भी है और अभी टाइम भी लगेगा। सीधी सी बात ये है कि टाइम लगेगा, इसीलिए मैं घर जा रही हूँ। तो मुझे ये घर छोड़ आए थे, उसके बाद ये दोबारा से मंदिर में आए थे। यहाँ पे जो है ये जो शिवजी जी की भी पिंडी लेकर आए हैं, शिवलिंग। शायद मैं कुछ चीज़ें गलत बोल रही हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। आप मुझे करेक्ट कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। जब मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, विपिन भी सो चुके हैं, वरना मैं उनसे बोल पूछ के बोल देती हूँ। तो यहाँ पे शिवजी जी का जो है अभिषेक हुआ और उसके बाद यहाँ पे डांस मस्ती शुरू हो चुकी है। सभी गाँव वाले जो हैं एक अलग ही जुनून में हैं आज। और यहाँ पे ये विपिन के दोस्त हैं जो विपिन से फ़ोन छीन रहे हैं कि फ़ोन इधर दे कि तू जाओ उधर।
तू कर, क्योंकि वो यहाँ पे जो है थोड़ा सा व्लॉग कर रहे थे। और ये सोनू भैया हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं विपिन के, बहुत जिगरी दोस्त भी बोल सकते हैं, बचपन के दोस्त बोल सकते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने फिर फ़ोन पकड़ा हुआ था और यहाँ पे ये ट्रैक्टर ट्रोली आ गई हैं, सभी गांव वाले लगे हुए हैं, सब ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, बहुत अच्छा लगा, आनंद आया। 2 दिन से मैं नहीं जा रही थी, मैं यही सोची थी कि मैं क्यों नहीं गई, बस थोड़ा बच्चों का रहता है ना, अगर चले जाते तो थोड़ा सा फिर चेंज हो जाता है। तो अभी जो है निकलेंगी शोभा यात्रा, मैं अभी घर पर ही हूँ, मैं अभी यहाँ नहीं आई हूँ क्योंकि मैं भाभी के साथ आऊँगी। सुबह में भी क्या हुआ ना कि थोड़ा सा जल्दी में हो गए तो उनके साथ नहीं आ पाई मैं, फिर ऐसे ही आ गई थी। तो मैं दोबारा से मंदिर आ चुकी हूँ और 11:30 बजे के 11:30 या 12:15 बजे के करीब शोभा यात्रा शुरू हो चुकी थी। तो मैं शोभा यात्रा में शामिल हो चुकी हूँ और भूमि घर पे है, वो नहीं आई है। मैंने उसको काफ़ी बोला भूमि चल, पर वो आई नहीं, उसको मन नहीं था आने का। और अभी जो है यहाँ से शुरू होगी शोभा यात्रा और देखते हैं 2-2.5 किलोमीटर तक रहता है, कितना चलना पड़ेगा। चलना मतलब ऐसा है कि बहुत ही धीरे धीरे चलना होगा, नाश्ते खाते लोग जाएंगे तो पता भी नहीं चलेगा इतने में, चाहे कितनी भी दूर चले जाओ। और अभी जो है शुरू हो चुके हैं, चलिए आप लोग भी हमारे साथ शामिल हो जाइए।
अभी हम आ चुके हैं जो पूरा यात्रा करके वापस मंदिर, और यहाँ पे होगा मूर्ति स्थापना। तो यहाँ पे अभी हम आके रुक गए हैं कि जब इतनी देर रुके हैं तो चलो थोड़ी देर और रुकते हैं। बच्चे मेरे स्कूल से आ चुके हैं क्योंकि लगभग 3:30 बज गए थे मुझे यहाँ पे, तो वो लोग घर पे आ गए थे और यहाँ पे मैंने कहा चलो थोड़ी देर और थोड़ी देर और। वैसे मुझे हो रहा था कि बच्चे जो है गुस्सा करेंगे, भूख लग रही होगी उनको, पर ये था कि भूमि है, कुछ ना कुछ बना लेंगे, खा लेंगे, कुछ नहीं तो मैगी बना लेंगे। मैगी गुड्डू को भी आती है, वैसे भूमि को तो रोटी परांठा भी आता है, तो मैंने कहा जो अगर हुआ ज़्यादा ही तो भूमि बना के दे देगी रोटी परांठा, वरना मैगी का ऑप्शन तो होता ही है फिर सबसे पहला। तो यहाँ पे जो है जितनी भी मूर्तियाँ, राम दरबार है और शिवलिंग है, उनको लेकर जा रहे हैं अंदर। तो अभी आप लोगों को भी दिखाएंगे अगर मैं दिखा पाई अंदर मूर्तियों को, वरना कभी और दिखा देंगे, आज नहीं दिखाया। तो 3:30 बज चुके हैं और अब हम जा रहे हैं घर प्रसाद लेके। हो गया साड़ी का पल्ला पीछे, चलो चलते हैं। बच्चे आ गए होंगे घर पे, आज रिक्शे से आए भी पिन्नी लेने गए, पल्ला लग रहा है फर्श पे सही करती हूँ। जब मैं घर आई मेरा सबसे पहले यही था, तुम लोगों ने कुछ खाया? और उन लोगों का जवाब था कि नहीं, हम आपका वेट कर रहे थे कि आपको भी भूख लग रही होगी, आपके साथ कुछ खाएंगे। तो फिर जो है विपिन तो चले गए थे ऑफिस, मैगी के पैकेट दे गए थे, तो फिर हमने मैगी, मैंने नहीं ना किसी और ने, सिर्फ भूमि ने मैगी बनाई और बहुत टेस्टी मैगी थी, बहुत ज़्यादा टेस्टी मुझे मैगी लगी। भूमि के हाथ का शायद पहला कुछ ये खाना था जो मैंने उसके हाथ का खाया, और सच में वही क्या मैगी बनाई थी भूमि ने। मैंने कहा भूमि तुझे भी हरी मिर्च, क्योंकि उसको भी चटपटा पसंद है, उधर के लोगों को होता है और मुझे भी है, तो हरी मिर्च भी उसने डाली कि हाँ बुआ मैं भी खा लेती हूँ। मैंने कहा ठीक है, और मेरे दोनों बच्चे भूमि से बहुत प्यार करते हैं, तो उनको था कि नहीं हम भी खा लेंगे हरी मिर्च, कोई बात नहीं हम मिर्च वाला भी खा लेंगे। वरना मैंने कहा तुम लोगों के लिए मैं सादा बना देती हूँ कि नहीं हम भूमि दीदी के हाथ का ही खाएंगे, तन्मय का ज़्यादा रहता है ना क्योंकि वो नहीं खाता है। तो सभी ने यही वाली मैगी खाई। अभी मैं खाने जा रही हूँ भूमि के हाथ की मैगी। ये देखिए उधर बच्चे खा रहे हैं, इधर मैं खा रही हूँ। देखिए कितनी टेस्टी मैगी बनाई है भूमि ने, और जैसे ही मैगी बनी वैसे ही सिलेंडर ख़त्म। अच्छा हुआ बीच में ख़त्म नहीं हुआ, वरना हो जाता, क्योंकि मुझे लगाना नहीं आता। हमारे वाले रेगुलेटर में थोड़ी सी दिक्कत है जो हर किसी से नहीं लग पाता, तो इस वजह से। तो अभी मैं खाती हूँ, मुझे पता था वो ख़त्म होने वाला है क्योंकि काफ़ी चल गया, मैं डेट नोट कर लेती हूँ, तो फिर मुझे रहता है कि अब भाई महीना ऊपर हो गया है, अब कभी भी ख़त्म हो जाएगा वो। तो चलो मैगी खाते हैं। तो दोपहर में मैगी खाने के बाद, दोपहर का मैगी भी हमने शाम को खाई थी लगभग 4:30 के करीब। उसके बाद मैगी खाने के बाद मैं लेट गई थी और मुझे ना फ़ोन देखते देखते नींद आ गई थी, मैं सो गई थी, और फिर मैं जब उठी तो काफ़ी लेट हो गया था। तो करीबन 7:30 का टाइम है ये, मैंने पूजा की, फिर मैं यहाँ पे बर्तन मांजने लगी हूँ। और मैं ना जब उस टाइम मंदिर से आई थी तो मैंने नहा के गाउन ही पहन ली थी अपनी ये वाली, और उसके बाद फिर हुआ ही नहीं कि कपड़े चेंज करें, सूट वगैरह डालें। तो यहाँ पे जितने भी बर्तन हुए मैंने कहा मैं कर लूँगी, और मैंने दाल चावल बनाने हैं अभी, तो दाल मैंने चढ़ा दी है। मैंने सबसे पूछा क्या बनाऊँ, तो यही था कि दाल चावल, क्योंकि सबको ना हमारे यहाँ पे दाल चावल पसंद है, और भूमि को भी दाल चावल पसंद है, बस उसको एक आधी दाल है जो नहीं पसंद है। क्यों बोलो अभी, क्या बड़ी कम हो गई, कैसे चीखती है भूमि, बहुत चीखती है ना ये। गुड्डू इसलिए चीख रही थी, वो बोल रही थी मेरे पास बैठी रहो मम्मी। मैंने कहा मैं खाना डाल दूँ तुम लोगों का। तो विपिन भी आ चुके हैं और यहाँ पे मैंने सब लोगों का खाना डाल दिया है। चावल मैंने थोड़े से ही बनाए थे, मतलब अपना अंदाज होता है ना कि इतने लग जाएंगे, तो उतने बनाए थे मैंने कहा फिर बचे ही ना। तो चलो वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका है, पीली मसूर की दाल बनाई है, दही ले लेंगे और वीडियो का एंड कर देते हैं। बाय बाय।